पुलिस भाई कहाँ? मैं कहाँ है? बातें होंगे? नंबर क्या हो? 100 टायरों को मालूम? सीआरबी कितनी? दोनों सस्पेंड होंगे दोनों। मैंने फोटो ले लिए दोनों सस्पेंड को देने के लिए। देखो मैं करवाऊंगा अभी लेको भोले मर्सेना वाले आएंगे किस तरह का मामला था, क्या पूरे क्या कंडीशन है उसकी? काफ़ी गंभीर स्थिति में एक मरीज मेरे पास लेके आई थी अभी ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद में। उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी और गैस्पिंग कंडीशन में था। उसको हेड इंजरी थी, काफ़ी सीवियर इंजरी थी। उसका हमने तुरंत उपचार शुरू कर दिया था लेकिन दुर्भाग्य से वो बच नहीं पाया। क्या वो ऐसी कंडीशन में थी कि जैसे पुलिस ने लाश को लेके आती इस कंडीशन में लेके आई थी पुलिस? हाँ, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस था तो पुलिस उसको कवर करके लाई थी, जैसे सील करके लाते उस तरह से लेके आई थी। तो हमने देख के तुरंत उसका उपचार शुरू किया था और उसको आगरा रेफर करने के बारे में भी पुलिस वालों से कहा था कि मैं ALS एम्बुलेंस बुला के इसको तुरंत आगरा रेफर करता हूँ प्राथमिक उपचार। पुलिस वाले वो कहाँ गए जी? पुलिस वाले वो छोड़ के भाग गए कहाँ गए? पुलिस वाले बोले कि हम यहाँ पे अकेले हैं तो आप मटसेना थाने से पुलिस को बुलाएं, तब जो है हम इसको भेज पाएंगे। हम लोग कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, सिर में काफ़ी चोट थी उसके और काफ़ी सूजन थी सिर में और चेहरे पे। तो संभवतः जो है वो हेड इंजरी की वजह से कोमा में उसकी डेथ हो गई। बाकी उसको पोस्टमार्टम कराएंगे तब। हॉस्पिटल लेके जाया गया था उसे कपड़े में लपेट करके घंटा लैंड का। तो किस तरह का मामला था पूरा? देखिए, मखनपुर क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो पीआरबी 19 गई थी, उस व्यक्ति काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। जो पोलीपैक होता है खाने के लिए डेड बॉडी वगैरह को, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसमें नीचे इन्होंने सीट पर लगा दिया था, सीट पे गाड़ी ख़राब ना हो उस पर लेकर के लिटा करके उसको ले गए थे। उसमें बंद करके नहीं ले गए थे जैसा कि आप लोगों ने कहा है। और काफ़ी चोटिल व्यक्ति था, उसकी धन्यवाद जल्दी हो गई है। बाकी आवश्यक कार्रवाई।